हेलो पीपल, मैं हूँ शैन मार्क एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से। बट गाइस ये कंट्री जो है उसका नाम है जापान। जी हाँ गाइस, जापानीज वीजा अगर इंडियन पासपोर्ट पे लग जाता है तो उस पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, वो पासपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि गाइस US वीजा के बाद, कनाडा वीजा के बाद, UK वीजा के बाद और शेंगेन वीजा के बाद जो सबसे पावरफुल वीजा होता है वो है जापानीज वीजा। अब गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा जापानीज वीजा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना फीस है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको जापानीज वीजा अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लीज आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला है पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ्स होनी चाहिए। दूसरा है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस उसमें होना चाहिए। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो आप मान लीजिए कि 6 मंथ वैलिडिटी पासपोर्ट और ये जो फोटोग्राफ का स्पेसिफिकेशन मैंने बताया ये हमेशा 90% मोस्ट ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कॉमन होगा। अब हम तीसरे डॉक्यूमेंट पर आते हैं गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगा इन्हीं के आधार पर वीज़ा का रिजेक्शन या अप्रूवल होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका ट्रैवल आइटनरी। जी हाँ गाइस, अगर आप जापान में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप टोक्यो में जाते हैं, तो आप अगर वहाँ 5 दिन रहते हैं तो आपको डे बाय डे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, हर एक दिन का आपको उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बना के आइटनरी में दिखाना है कि आप फर्स्ट डे पे क्या करेंगे, कितने बजे से कितने बजे आप कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ आप घूमेंगे। तो आइटनरी का मतलब ये होता है कि आप एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीज़ा ऑफिसर को दिखाना चाहते हैं कि हाँ 5 दिन के लिए मैं टोक्यो में रहूँगा तो ये मैं करने वाला हूँ। अब जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गाइस है जापानीज वीज़ा के लिए वो है आपका ITR। जी हाँ गाइस, जापानीज वीज़ा के लिए आपको लास्ट 3 ईयर्स ITR मस्ट है, मैंडेट है। अब इसके बाद गाइस कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद कभी लग सकते हैं, नहीं लग सकते, बट आप अगर VFS ग्लोबल जाए तो इन्हें, इन डॉक्यूमेंट्स को आप रख लेना, सेफ्टी के लिहाज से आप ये डॉक्यूमेंट रख लेना। तो उन डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपके कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स और आपके बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स, नॉर्मली लास्ट 3 मंथ्स, कभी कभी लास्ट 6 मंथ्स लगते हैं, बट सेफ्टी के पर्पज से आप हमेशा लास्ट 6 मंथ्स रख लीजिए। बट आपकी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो स्टैम्प होनी चाहिए, बैंक का स्टैम्प उस पर होना चाहिए और उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। तो बस गाइस यही सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जापानीज वीज़ा के लिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको vfsglobal.com उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको डाउनलोड करना है जापानीज वीज़ा फॉर्म। अब ये है जापानीज टूरिस्ट वीज़ा फॉर्म जिसे हम विजिट वीज़ा भी कहते हैं। आपको ये फॉर्म अच्छे से फिल करना है, उसके बाद आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताई उसको आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है, एक फाइल बनानी है, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। एक बात और मैं बता दूं गाइस, जापानीज वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट पहले बुक होता था बट अब कोई बुक नहीं करता है, आप डायरेक्टली वॉक इन भी जा सकते हैं, ये गुड न्यूज़ है। बट बैड न्यूज़ ये है गाइस कि जापान ने अभी तक बिजनेस वीज़ा और मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स को छोड़ के कोई भी वीज़ा अभी तक चालू नहीं की है। उसकी ये वजह गाइस क्योंकि 4 दिन पहले जापान में 2000 केसेस सिंगल डे में रिकॉर्ड हुए थे, इसलिए जापानीज गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस ले गई हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आपने फॉर्म भर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी, आप VFS ग्लोबल चले गए। अब जब आप VFS ग्लोबल जाएंगे तो वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो VFS ग्लोबल की कुछ अपनी चार्जेस होती है, वो डिपेंड करता है वीज़ा टू वीज़ा। बट गाइस गुड न्यूज़ ये है, सबसे अच्छी बात जापानीज वीज़ा की ये है, पावरफुल वीज़ा होने के साथ साथ आपके पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ ये काफ़ी चीप है। जी हाँ गाइस, जापानीज वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो जापानीज एम्बेसी फीस, जापानीज वीज़ा की जो फीस है वो सिर्फ 550 रुपीज़ है ना गाइस, बहुत अच्छी बात। तो गाइस प्लीज़ अगर आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आपको अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा जैसे जापानीज वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा रिज्यूम होता है आप सबसे पहले जाके जापानीज वीज़ा ही अपने पासपोर्ट पे लगाइए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं गाइस जापानीज वीज़ा से रिलेटेड, अगर आपके पासपोर्ट पे जापानीज वीज़ा है और वो वैलिड है तो बहुत सारी कंट्रीज आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जॉर्जिया, अगर आपके पास वैलिड जापानीज टूरिस्ट वीज़ा है तो आप जॉर्जिया वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। गाइस जॉर्जिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और बहुत इंडियंस वहाँ विजिट करना चाहते हैं,
बट उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। जॉर्जिया के टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने ही वाला हूँ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। इस वक्त हम जापान की बात करें तो गाइस सारे एडवांटेजेस मैंने आपको जापानीज वीज़ा के बारे में बता दिए हैं। जैसे ही जापानीज अथॉरिटीज़ अपने टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा रिज्यूम करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जाके ये वीज़ा अप्लाई कर देना। ये काफ़ी चीप है, सिर्फ 550 रुपीज़ है। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग टाइम की, तो नॉर्मली ये 2 to 3 working days में आ जाता है, मैक्सिमम 4 working days लग सकते हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है गाइस, मैं जब भी बोलता हूँ मेरी सारी वीडियो मैं देखता हूँ कोई लाइक करता ही नहीं, तो कोई बात नहीं। तो चलिए आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बी सेफ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।